वेम्पायर फेशियल के बारे में सुना है आपने और क्या वंडर किया है कि ये है क्या? मैं बताऊंगी आपको वेम्पायर फेशियल के बारे में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप फ्यूचर में हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। मैं हूं डॉक्टर सुमन अग्रवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर सर्जन फ्रॉम ग्रे स्किन क्लिनिक सूरत। और आज हम बात करने जा रहे हैं वेम्पायर फेशियल के बारे में। जैसे कि वेम्पायर फेशियल हॉलीवुड में बहुत ही फेमस है और इसका नाम वेम्पायर फेशियल इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ बहुत ही ड्रेस्टिक या डरावना है। इसका नाम वेम्पायर फेशियल इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा ब्लड दिखाई देता है स्किन पे। ये होता क्या है, आप ही का ब्लड लिया जाता है जिसमें से PRP दैट इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसे सेपरेट किया जाता है और इसे स्किन में दिया जाता है। इससे आपकी स्किन ग्लोइंग, स्मूथ, इवन टोन्ड, इवन कॉम्प्लेक्शन और काफ़ी बेहतर लगती है। आप अपनी एज से यंगर दिखते हैं, झुर्रियाँ कम लगती है, फ्रेशनेस आती है, रिजुविनेटेड लगती है। जैसे कि हमने वेम्पायर डायरीज़ में देखा है कि जो एक्टर्स हैं वो कितने ब्यूटीफुल यंग लगते हैं, उसी तरह की स्किन हम पा सकते हैं वेम्पायर फेशियल से। घबराइए नहीं, जैसा नाम है सुनने में वो डरावनी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल और सेफ टेक्निक है। आपका ब्लड अराउंड 20-40 ml डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट विड्रॉ किया जाता है, जो बहुत ही सेफ है और आराम से उतना ब्लड आपका तुरंत बन जाता है। वो ब्लड विड्रॉ करके मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके PRP दैट इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकाला जाता है। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में ग्रोथ फैक्टर्स, इंटरल्यूकिंस, ये सब बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स, ये इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन को हील करते हैं, जिसके वजह से न्यू कोलाजन बनता है, न्यू इलास्टिन बनता है, पिगमेंटेशन जो डिस्टर्ब्ड हो गया है वो रेगुलेट होता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जहाँ हम देते हैं वहाँ के जो स्किन के नॉर्मल हीलिंग मैकेनिज्म्स है उसको भी एक्टिवेट कर देता है और इसके वजह से नेचुरली हमारी स्किन बहुत यंगर, रिजुविनेटेड और बहुत फ्रेश लगती है। तो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ आपके शरीर में नहीं जा रही है, इसीलिए ये बहुत ही सेफ टेक्निक है। अब इसे दिया कैसे जाता है, तो या तो फ्रैक्शनल लेज़र के थ्रू जो चैनल्स क्रिएट होते हैं उससे दिया जा सकता है या माइक्रो नीडलिंग से दिया जाता है। माइक्रो नीडलिंग यूजुअली डर्मा पेन या डर्मा रोलर से की जा सकती है, कभी कभी ये डायरेक्टली स्किन के सुपरफिशियल लेयर्स में इंजेक्ट भी किया जाता है। वो करीब एक जितना जिस टेक्निक से देते हैं उसके ऊपर उसका डिफ्यूजन डिपेंड करता है और इसी तरह दिया जाता है कि वो जो भी एरिया ट्रीट कर रहे हैं उसमें पूरा इवनली डिफ्यूज हो जाए। तो वेम्पायर फेशियल के बारे में आपको अगर और कुछ भी जानना हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और अगर आप ये ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।